हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आधुनिक डिजिटल क्लासेस। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था गतिक विद्युत वाहक बल क्या होता है, लेंज के नियम का गणितीय विवेचन देखा था, साथ में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए थे जिसमें पढ़ा था भंवर धारा क्या होती है और इसे कैसे कम किया जा सकता है। आज की क्लास में हम देखेंगे कि अन्योन्य प्रेरण क्या होता है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक कैसे निकाला जा सकता है, दो प्रणालिकाओं के बीच, दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक कैसे निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अन्योन्य प्रेरण क्या होता है। तो हम लोगों ने जब प्रयोग पढ़े थे हेनरी और फैराडे के प्रयोग पहले क्लास में, तो वहां पर देखा था कि अगर एक कुंडली है उसमें धारा प्रवाहित हो रही, धारा का मान अगर कम ज्यादा होता है तो उसके बगल रखी दूसरी कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन होता। फैराडे ने कहा था फ्लक्स परिवर्तन के कारण हमेशा विद्युत वाहक बल बनता है, अर्थात द्वितीय कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन के कारण एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और परिपथ अगर बंद होता तो धारा प्रवाहित होती, जिसे हम प्रेरित धारा कहते हैं, और जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता उसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहा जाता है, वही है अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरण कहलाता है। क्या कहलाता है अन्योन्य प्रेरण? जब दो कुंडलियों को पास पास रखकर किसी एक कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है अथवा धारा का मान परिवर्तित किया जाता, मतलब धारा बदलनी चाहिए, मतलब फ्लक्स बदले दूसरे का, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण द्वारा फ्लक्स परिवर्तन के कारण दूसरी कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है तथा धारा प्रवाहित होती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की यह परिघटना अन्योन्य प्रेरण कहलाती है। इसका फिगर समझते हैं। देखो इसका फिगर कुछ ऐसा है, यहां पर एक कुंडली है, ठीक है, ये ऐसी कुंडली दी गई है और एक दूसरी कुंडली इधर है, इसके सामने दूसरी कुंडली है, ये दूसरी कुंडली हो गई, ठीक है। अब इन कुंडलियों में फेरे लपेटे गए हैं, ये देखो इधर फेरे लपेटे गए हैं। कैसे फेरे लपेटे गए हैं? पहले इधर बनाना चाहो बना दो, बाहर का परिपथ बना दो पूरा। बाहर के परिपथ में क्या क्या जोड़ा गया है? एक तो ये वायर है इधर जोड़ा गया है और दूसरा वायर इधर जोड़ा गया है ऐसे, कुछ इस तरह से, ये कुछ इस तरह से जोड़ा गया। यहां पर देखो एक बैटरी को जोड़ दिया गया है ऐसे, एक बैटरी जोड़ी गई है और एक यहां पर धारा नियंत्रक को जोड़ा गया है, ये धारा नियंत्रक जोड़ा गया है और इस धारा नियंत्रक के साथ ये दूसरी वाली जो इसकी वायर की दूसरी वाली दूसरा वाला जो वायर है इसको इधर जोड़ दिया गया धारा नियंत्रक के साथ। यहां क्या है? ये RH है, रियोस्टैट है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। यहां पर आगे देखो, यहां पर ये बैटरी लगी हुई है तो इसे हम लिख देते हैं जिसका विद्युत वाहक बल या इसका विभवांतर V है, और यहां पर ये कुंडली है, कुंडली में फेरे लपेटे गए हैं कुछ इस तरह के, देखो फेरे कुछ ऐसे लपेटे गए हैं, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, कुछ इस तरह से फेरे लपेटे गए हैं और फिर फेरे लपेटे गए हैं, ये ऐसे लपेटे गए हैं और उसके बाद इधर ऊपर की तरफ कलेक्ट कर लिया गया है, ये ऐसा है, ये ऐसा बन जाएगा, यहां से इधर की तरफ जाएगा ये, फिर यहां से इधर की तरफ चला जाएगा ऐसा। अब देखो ये ऐसा बन गया है, ठीक है, इसमें फेरे ऐसे लपेट दिए गए। अब इन फेरों में धारा प्रवाहित हो रही है तो धारा बैटरी के हिसाब से प्रवाहित होगी, तो बैटरी धारा इधर से इधर की तरफ प्रवाहित करेगी, इधर धारा आएगी आई, इसमें धारा आई आएगी तो इधर की तरफ चलेगी धारा, देखो ये तो आइडिया है, ये धारा इधर से इधर की तरफ चलेगी, ये ऐसा है। दूसरी कुंडली, दूसरी कुंडली में क्या क्या जोड़ा गया एक बार फटाफट देख लो। दूसरी कुंडली में एक सिरा इधर जोड़ा गया है और ये गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया गया है, गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया गया है ये वाला सिरा, इसका धारा मापी लगा है, जो धारा देखेगा तो बताएगा हाँ धारा प्रवाहित हो रही है, ये ऐसा हो गया, ठीक। अब देखो यहां पर कुछ ऐसे फेरे लपेटे गए हैं, ये कुछ ऐसे फेरे हैं, ये कुछ फेरे ऐसे लपेटे गए हैं, ये ऐसे फेरे लपेट दिए गए। अब क्या होगा? इसमें धारा प्रवाहित हो रही, धारा का मान या तो बढ़ता हुआ मान लो या कम होता हुआ मान लो। मान लेते हैं जो ये फिगर हम डिजाइन कर रहे हैं उसमें क्या है, धारा का मान बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, धारा का मान बढ़ रहा है तब के लिए फिगर हम बना रहे हैं, ध्यान रखना। अगर घट रहा होगा तो इसका उल्टा बनेगा फिगर, धारा प्रवाह जो होगा इसका उल्टा होगा, देखो कैसे। अब हम जानते हैं कि यहां से क्या होगा, इधर देखो, इधर इसमें क्या होगा, इधर वाला सिरा एन बनेगा तो एन बनेगा तो यहां से निकलेंगी बल रेखाएं, निकलेंगी ना, तो यहां से बल रेखाएं निकलेंगी ऐसे, ये बल रेखाएं निकलेंगी ऐसे, निकलेंगी ये बल रेखाएं ऐसे निकल रही होंगी,
वैद्युत बल रेखाओं के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, ये वैद्युत बल रेखाएं हैं, बाहर निकल रही हैं, ये बाहर निकल रही है वैद्युत बल रेखा, ये बाहर निकल रही, ये बाहर निकल रही, ये बाहर निकल रही, इसका मतलब इधर से आ रही होंगी, तो इधर से आ रही होंगी तो ये भी तो रास्ते में है, तो ये रास्ते में पड़ेगी तो इसमें भी ऐसा होगा, इसके अंदर भी यही जाएंगी, ये जाएंगी और वापस से इधर की तरफ आएंगी, ये ऐसा हो गया, ये है चुंबकीय बल रेखाएं, सही है। तो उधर से आ रही है, इधर से इधर की तरफ जा रही, तो इधर वाला N बना, इधर वाला S बना, इधर से निकलती फिर इधर एंटर करती, यही तो होता है। लेकिन ये कुंडली पास में रखी गई, पास में अगर रखी गई तो उसमें भी फ्लक्स तो कुछ ना कुछ जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो दूसरी वाली कुंडली में धारा प्रवाह किधर की तरफ होगा, तो धारा प्रवाह हम लोगों ने देखा था धारा का मान बढ़ रहा है, इधर क्या है, इधर वाला पोल बन रहा है एन और इधर वाला बन रहा है एस, तो ये धारा परिवर्तन का विरोध करेगा, तो ये कहेगा इधर हम एस बनाते हैं इधर एन बनाते हैं। पढ़ा था लेंज का नियम, लेंज का नियम ये बताता प्रेरित धारा अथवा प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होती जो उस कारण का विरोध करती जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। तो यहां पर ये इसके कारण उत्पन्न हुई जो फ्लक्स बन रहा था, यहां ये एस बनाएगा, इसके फ्लक्स को घटाने की कोशिश करेगा, तो ये एस कब बनेगा, जब इसमें धारा इधर की तरफ प्रवाहित होगी और इसमें धारा कहां अंदर की तरफ प्रवाहित होगी, तो इधर वाला क्या बनेगा एन, इधर वाला एस बनेगा, तो इसमें विक्षेप देखो राइट साइड में निकल के आएगा, कुछ ऐसा होगा विक्षेप, समझ में आ रहा है। तो पहली कुंडली ये थी, दूसरी कुंडली ये है, इन दोनों में धारा प्रवाह करवा रहे हैं, मतलब पहली में धारा प्रवाह करा रहे हैं, दूसरी कुंडली को इसके समीप रखा गया, तो इसने जब देखा धारा का मान बढ़ रहा है, धारा का मान घट भी सकता था, धारा घटेगा तो विक्षेप इधर की तरफ आएगा, धारा बढ़ रही तो विक्षेप उधर की तरफ आया, वो तो निर्भर करेगा धारा किधर प्रवाहित होगी, प्रेरित धारा। अब देखो यहां पर जिसमें धारा प्रवाहित किया जाता है इसको हम कहते हैं प्राथमिक कुंडली, प्राथमिक कुंडली कहा जाता है, कुंडली कहा जाता है, ठीक है। इसे इंग्लिश में कहते हैं प्राइमरी कॉयल, ट्रांसफार्मर पढ़ने के काम आएगा, ध्यान रखना सारे टर्म्स, प्राइमरी कॉयल। और जिसमें फ्लक्स परिवर्तन होता है उसे हम कहते हैं द्वितीयक, द्वितीयक कुंडली, इसे हम क्या कहते हैं, द्वितीयक कुंडली कहते हैं, इसे कहते हैं सेकेंडरी कॉयल, सेकेंडरी कॉयल कहते हैं इसे, ठीक है। तो उस प्राइमरी कॉइल क्या होता है, जिसमें करंट फ्लो कराई जाती है, बाहर सर्किट से करंट दी जाती है, और सेकेंडरी वो होती है जिसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल बनता, उसकी वजह से धारा प्रवाहित होती, तो द्वितीयक कुंडली होती है। तो यहां से देखो एक कुंडली को दूसरी कुंडली के पास रखकर जब एक कुंडली में धारा का मान परिवर्तित किया जाता है, तो दूसरी कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन के कारण एक विद्युत वाहक बल बनता है जिससे प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की इसी परिघटना को कहा जाता है अन्योन्य प्रेरण। तो फिगर बनाना होगा तो इस तरह से बनाना, अच्छा लगेगा फिगर देखने में, बाकी बनाना चाहो दो कुंडलियों को पास पास रख दो तो भी अच्छा बनेगा। तो ये हो गया धारा का मान बढ़ रहा था तब के लिए, घट रहा होगा तो याद रखना अगर घटेगा तो ऐसे, तो इधर एन बनेगा इधर एस बनेगा और धारा जो होगी वो बदल जाएगी। इसमें जो धारा की दिशा है वो क्या है, देखो धारा की दिशा कुछ ऐसी है, इधर से निकल कर ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे ये ऐसे जा रही धारा, ठीक है। तो धारा इधर से जा रही, इधर से कलेक्ट कर ली जा रही, तो इधर S बना उधर N बना है, इस वाले में S के सामने S बना है, धारा अगर कम होगी तो S के सामने N बनेगा, ठीक है। अब इसको समझते हैं, यहां पर कुछ मैथ लगाते हैं। इसमें मान लेते हैं फेरों की संख्या कितनी है, N1 है, यहां पर फेरों की संख्या कितनी है, N2 है, ठीक है। इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही वो I है, बढ़िया है, इसको हम लिख देते हैं I1 थोड़ी देर के लिए, और इसमें जो धारा प्रेरित धारा है वो कितनी है, I2 है, ठीक है, धारा I2 है। तो यहां पर एक बात देखो, इसका फ्लक्स किस बात पर निर्भर करेगा, इसका फ्लक्स इसी बात पर निर्भर करेगा कि सामने वाले में धारा कितनी है, सामने वाले में धारा ज्यादा तो इसका फ्लक्स ज्यादा, क्योंकि प्रणालिका के लिए हम जानते हैं B क्या लिखा जाता है, याद होगा म्यू नॉट एन आई लिखते हैं हम इसे, जहां पर स्मॉल एन होता है प्रतीकांक लंबाई में फेरों की संख्या। तो धारा का मान जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, चुंबकीय बल रेखाएं सघन सघन होंगी, तो इसमें जितनी ज्यादा धारा प्रवाहित होगी उसका फ्लक्स उतना ज्यादा होगा, बगल रखी है ये कुंडली, तो जितना फ्लक्स ज्यादा बनेगा वो उतना ज्यादा फ्लक्स इससे कटेगा, इसका मतलब इसका फ्लक्स जो है निर्भर कर रहा है इसकी धारा के ऊपर। तो यहां पर मैथ्स लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, क्या मैथ है, द्वितीय कुंडली में, द्वितीय कुंडली में, कुंडली में, द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, उत्पन्न द्वितीय कुंडली से होकर गुजरने वाला, ऐसा लिखो, द्वितीय कुंडली से होकर, से होकर गुजरने वाला
गुजरने वाला फ्लक्स प्राथमिक कुंडली में धारा I के समानुपाती होता है। प्राथमिक कुंडली में धारा I1 के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है, ये बात हम लोगों ने वहां से देखा। अब इसकी पीछे की मैथ समझो, इसकी पीछे की मैथ क्या है वो यहां से, जो फाई होगा वो क्या होगा, फाई टू होगा। बोलो सही है ना, फाई टू होगा। और फाई टू होगा तो इसको ऐसे ना लिख दो, एन टू इंटू फाई टू। एन टू फेरे हैं, प्रत्येक फेरे से लिंक होने वाला फ्लक्स अगर फाई टू है तो ये किस पर निर्भर करेगा, आई वन के ऊपर निर्भर करेगा। तो यहां से अगर लिखते हैं एन टू इंटू में फाई टू, इसको बराबर लिखेंगे तो समानुपाती का चिन्ह यहां लगाया जाता है एम आई वन। ये एम होता है अन्योन्य प्रेरण गुणांक। क्या है ये, अन्योन्य प्रेरण गुणांक होता है। यहां लिखना होगा तो लिख लेना, जहां एम अन्योन्य प्रेरण गुणांक है, जहां एम अन्योन्य प्रेरण गुणांक है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक है, ठीक है। ये हो गया अन्योन्य प्रेरण गुणांक, सही है। अब यहां से देखो, अगर बात किया जाए कि जो E2 बनेगा वो क्या लिखा जा सकता है, तो E2 को लिख सकते हैं माइनस N2 इंटू में d phi 2 बाई dt, ऐसे ही तो लिख सकते हैं। मतलब दूसरे में फेरों की संख्या और उसके एक फेरे से कितना फ्लक्स लिंक होता है उसे लिखा जा सकता है। ये हमारे पास हो जाएगा E2 की वैल्यू। अब इसी E2 की वैल्यू हम रिलेट करते हैं इधर सामने वाले के साथ, तो क्या लिख सकते हैं, इसका कर दो डिफरेंसिएशन, इसका डिफरेंसिएशन कर दो। तो क्या लिखेंगे, इसको कर देते हैं डिफरेंसिएट, तो बन जाएगा N2 into में d phi 2 by dt is equal to में बन जाएगा m into में di1 by dt, dt बन जाएगा, सही है। N2 तो ठीक लग रहा है, लिखा रहने दो N2। यहां पर d phi 2 by dt क्या है, तो d phi 2 by dt E2 के ही तो बराबर हो जाएगा, या mod E के बराबर हो जाएगा, ऐसा लिख लो। is equal to में यहां पर m लिखेंगे, यहां लिख सकते हैं di by dt, बाद में लिख गया ये एक और वन, di1 by dt था यहां, ये ऐसा। तो ये बन जाएगा m di by dt। एक काम करो, यहां से E2 की वैल्यू निकाल लो, E2 is equal to लिखेंगे m डिवाइडेड बाय में n2, यहां लिख सकते हैं di by dt, सही है। एक इस पर कंडीशन लगा लो, कंडीशन लगा लेते हैं, तो यहां से m की परिभाषा भी निकल आएगी। क्या होगी परिभाषा m की, यहां से n2 is equal to में वन कर देते हैं, ठीक है, और e2 is equal to में कर देते हैं E2 की वैल्यू नहीं, ऐसे di by dt कर दो, di1 by dt is equal to में 1 एम्पियर पर सेकंड कर देते हैं। तो इस केस में क्या होगा, E2 जो बनेगा वो किसके बराबर आ जाएगा, m के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब है यहां से m की परिभाषा लिखी जा सकती है, दो कुंडलियों के बीच, कुंडलियों बोर्ड में आएगा डेफिनेशन, ऐसे लिख देना, दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक गुणांक द्वितीयक कुंडली में, द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न, द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, के बराबर होता है, होता है, जबकि जबकि प्राथमिक कुंडली में, कुंडली में धारा परिवर्तन की दर, धारा परिवर्तन की दर कितनी हो,
एकांक हो, एकांक हो। तो अगर कोई पूछता है अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा बताओ, तो कहेंगे दो समतल कुंडलियों या दो कुंडलियों, सिंपल बोलेंगे दो कुंडलियों के बीच जो अन्योन्य प्रेरण गुणांक होता है दूसरी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, जबकि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर इकाई हो। लिख लेंगे। अब बात आती है कि जो यहां एम लिखा गया है इसका विमीय सूत्र क्या होगा, तो इधर एम का विमीय सूत्र निकाल लेते हैं। देखो एम का विमीय सूत्र खुद भी निकाल सकते हो, चलो निकाल लेते हैं विमीय सूत्र क्या होगा। एम का विमीय सूत्र लिखवाओ, एम का विमीय सूत्र, एम का विमीय सूत्र लिखा जाएगा। तो यहां से लिखा हम लोगों ने ई या फाई लिख दो, ई लिख देते हैं। ई टू इज इक्वल टू, फेरों की संख्या का यहां कुछ नहीं लेने देना, ई टू इज इक्वल टू में माइनस एन टू लिख देते हैं। अच्छा, माइनस एन टू इन टू में डी फाई टू बाई डी टी, ऐसा लिख देते हैं, सही है। और ये तो हो गया दूसरे में उत्पन्न विद्युत वाहक बल, लेकिन हमें चाहिए फाई से रिलेट कर लो, फाई टू इज इक्वल टू में एम आई वन, सही लगेगा। फाई इज इक्वल टू क्या लिखा जाता है, बी ए लिखते हैं, इज इक्वल टू में यहां एम आई वन हो जाएगा। इसका यूनिट क्या होती याद होगा, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, इनटू में यहां हो जाएगा मीटर स्क्वायर। देखते जाना, यहां पर एम का पता नहीं, यहां पर हो जाएगा एम्पियर, सही है। यहां पर बनेगा न्यूटन मीटर अपॉन एम्पियर, न्यूटन मीटर अपॉन एम्पियर इज इक्वल टू में यहां पर बनेगा एम इनटू में ये क्या लिखा गया है, एम्पियर लिखा गया है, सही है। तो यहां से एम को निकालो, क्या लिखेंगे, न्यूटन मीटर अपॉन एम्पियर का स्क्वायर। न्यूटन का मतलब एम एल टी माइनस टू, मीटर का मतलब एल, और यहां पर लिखेंगे क्या होगा, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब क्या बन जाएगा, ए टू। तो यहां नहीं नहीं ए टू क्यों, धारा है ना, हाँ ए धारा का तो ये लिखा जाएगा ना, तो ए टू कर देंगे। तो यहां से एम जो निकल के आएगा देखो, बनेगा एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस टू, ये हो जाएगा अन्योन्य प्रेरण गुणांक का विमीय सूत्र। इस तरह से निकाल सकते हैं, अगर ऐसे नहीं निकालना तो दूसरे वाले से भी निकालना चाहो निकाल लो, वहां से भी सेम रिजल्ट निकल के आएगा। देखो दूसरे वाले से निकालें तो वो देखा है E2 जो लिखा गया है, वो क्या लिखा गया, इधर वापस आओ E2, यहां से E2 लिखा गया है D, यहां पर एम डी आई बाई डी टी, ये देखो इसका तो कोई यूनिट होती नहीं है, ये हो गया हमारे पास E2, तो N2 E2 इज इक्वल टू डी आई बाई डी टी, N2 E2 इज इक्वल टू में M इनटू में डी आई बाई डी टी लिखा गया है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स का कोई मतलब है नहीं, यहां से हो जाएगा E, तो E2 डिवाइडेड बाय में यहां लिखा जाएगा डी आई बाई डी टी, ऐसा लिख देंगे, इज इक्वल टू में M लिखा जाएगा, ठीक है। और यहां पर N2 है, लिखा रहना चाहो तो लिखा रहने दो। अब हम इसे सॉल्व करते हैं विमीय सूत्र के लिए, तो क्या होगा विमीय सूत्र, M का विमीय सूत्र, M का विमीय सूत्र, बोलो क्या बनेगा M का विमीय सूत्र, तो M का विमीय सूत्र लिख सकते हैं यहां से E2 का विमीय सूत्र। और E2 का विमीय सूत्र क्या लिखा जा सकता है, सपोज अगर नहीं पता तो याद होगा W इज इक्वल V इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाय Q पढ़ा था, तो यहां से लिख दो, ये बन जाएगा इसका होगा एम एल टू टी माइनस टू डिवाइडेड बाय में क्यू का ए टी होता है, तो इसका निकल के आएगा एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन, ये हो जाएगा विद्युत वाहक बल का। तो लिख दो एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन, सही है, बहुत सही है। यहां पर क्या हो जाएगा ए माइनस टी, यही तो बनेगा, और ये हो गया विमीय सूत्र इसका, तो ये बन जाएगा एम एल टू टी माइनस, यहां पर टू हो जाएगा ए माइनस बन जाएगा टू, ऐसा कुछ बनेगा, देखो ठीक है, दोनों मैच कर रहे हैं। तो चाहे इधर से निकाल लो चाहे इधर से निकाल लो, दोनों से सेम रिजल्ट निकल के आएंगे। अगेन यहां इसका मात्रक लिख लो, तो ये जो वैल्यू निकल के आई है ना, क्या लिखा गया है एम का मात्रक, क्या लिखा है एम का मात्रक, तो एम का मात्रक लिखा गया है यहां से न्यूटन मीटर पर एम्पियर स्क्वायर, या इसी को कहा जाता है हेनरी,
हेनरी, इसे कैपिटल एच से लिखते हैं, ये इसकी यूनिट हो जाती है। जनरली हेनरी में नहीं दिया रहेगा, ये मिली हेनरी में दिया रहेगा, माइक्रो हेनरी जनरली मिली में दिया होता है, हेनरी भी नहीं लिखा होता। तो ये इसका मात्रक हो गया, ये इसका विमीय सूत्र होगा, इस तरह से हम इसे रिलेट कर सकते हैं। बाकी परिभाषा कैसे लिखी जाती है, मैथमेटिकल रिलेशन कैसे लिखा जाता है, और इसकी यहां पर डेफिनेशन, एम की डेफिनेशन हो गई, और अन्योन्य प्रेरणा का फिगर बिल्कुल ऐसा बनाओगे अच्छा लगेगा। अगर ऐसे नहीं बनाना तो ऐसे भी बना सकते हैं, ये कुंडली उसके बगल एक दूसरी कुंडली लगा देना, इसमें फेरे लपेट देना ऐसे, और इस वाले में फेरे लपेट देना ऐसे, इसको गैल्वेनोमीटर से जोड़ देना, इसको जोड़ देना बैटरी के साथ, धारा प्रवाहित करवा लेना, तो भी निकल के आएगा सेम सेम यही पूरा, लेकिन ये फिगर ठीक लग रहा। इसके बाद आगे बात करते हैं दो समतल कुंडलियों के बीच में अन्योन्य प्रेरण गुणांक। दो समतल कुंडलियों का मतलब क्या है, पहले ये देखो, अगर हम बात करते हैं दो कुंडलियां बनाई गई हैं ऐसे, एक कुंडली ऐसे बनी हुई है और एक कुंडली इस तरह से बनी हुई है, ये कुंडली इस तरह से बनी हुई है, ये हो गई कुंडली, ठीक, ये ऐसे कुंडली है। अब अगर कुंडली इस तरह से बनी होगी, इसका सेंटर यहां कहीं होगा, इसका सेंटर यहां कहीं होगा, मान लेते इसके अंदर की त्रिज्या कितनी है, R1 है, और इधर जो बाहर है इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, वो कितनी है, R2 है, ठीक है। बाहर वाले में धारा प्रवाहित हो रही है, बाहर वाले में धारा प्रवाहित हो रही है, और बाहर वाले में धारा हम जानते कितनी I1 या I लिखी जाती है, ठीक है। तो अगर इसकी वजह से देखें अंदर क्षेत्र कितना बनेगा, तो क्षेत्र का फार्मूला डेराइव किया था, क्या बनेगा, B जो बनेगा वन, वन का मतलब क्या है, जो पहली धारा है वो जो बनाएगी केंद्र के ऊपर, वो कितना बनाएगी, ये बनाएगी म्यू नॉट, बोलो बोलो, म्यू नॉट एन वन, एन वन इसमें फेरों की संख्या कितनी लिख लेते हैं, एन वन है, और जो अंदर बनी हुई है इसके अंदर, जो बाहर है, अंदर जो बनी हुई है इसमें फेरों की संख्या, ये रेडियस थोड़ा अलग अलग लिख गई है, इन रेडियस को थोड़ा सही कर लो, इसको हम लिख देते हैं R2 और इसको लिख देते हैं R1, सही लगेगा। अब इसमें अंदर वाले में जो फेरों की संख्या कितनी है, वो N2 है, तो म्यू नॉट एन आई, आई मतलब I1, डिवाइडेड बाय में क्या लिख सकते हैं, 2R लिखा जाएगा, 2R का मतलब हो जाएगा 2R1, यही तो लिखेंगे हम, बिल्कुल सही है, इतना लिखा जाएगा, ये क्षेत्र बनेगा धारा I1 की वजह से। अगर इस क्षेत्र को इसके अंदर वाले भाग में नियरली यूनिफॉर्म मान लिया जाए, एक समान मान लिया जाए, तो बताओ यहां पर द्वितीयक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या लिखा जाता है, चुंबकीय फ्लक्स, बोलो क्या होगा, तो चुंबकीय फ्लक्स लिखेंगे फाइ इज इक्वल टू बी ए, बी बोलो, तो बी लिखा जाएगा म्यू नॉट एन वन आई टू मतलब आई वन डिवाइडेड बाय क्या लिख सकते हैं, टू आर वन लिख सकते हैं, बोलो सही है। ये फ्लक्स गुजरेगा जो अंदर वाली क्वायल है ना, एन टू वाली, उसमें से होकर के गुजरेगा, लेकिन उसके एक फेरे से होकर के गुजरेगा, तो अगर हमें N2 फेरों से चाहिए, N2 से चाहिए, तो N2 से मल्टीप्लाई करा दो और एरिया लिखोगे तो पाई R2 का स्क्वायर बन जाएगा, ये बनेगा, सही है। अब इसकी तुलना करा लो, हम जानते हैं क्या है, यहां पर लिखना होगा तो लिख देना कि हम जानते हैं कि जो N2 और phi लिखा जाता है, बेसिकली ये phi2 होगा, ये बराबर होता है m into में i1 के, इसका मतलब है इधर वाले में बात करें अगर, इस साइड वाले में, तो इसमें i को छोड़ने के बाद जो बचा वो m है, तो यहां से लिखें m, ऐसे लिख दो, से तुलना करने पर बोलो क्या बनेगा, तो m इज इक्वल टू लिखा जा सकता है म्यू नॉट, यहां पर लिख सकते हैं n1 into में n2, और क्या बचा, यहां पर लिखेंगे पाई r2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में क्या लिख सकते हैं, 2r1 लिख सकते हैं, ये हो जाएगा दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक। ये फार्मूला देना जब भी देना होगा, ये फार्मूला हो गया, ठीक याद रहेगा, ऐसे नहीं लिखना तो ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, यहां से m
इज इक्वल टू म्यू नॉट, यहां पर एन वन, यहां पर एन टू, और साथ में यहां ए लिख देना डिवाइडेड बाय में टू आर वन लिख देना, ये भी सेम रिजल्ट है। एरिया है, एरिया किसका है तो ध्यान रखना ए टू का है, दूसरे वाले कुंडली का, द्वितीय कुंडली का एरिया होगा। तो ये हो गया दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक। इसके बाद अगला दिया गया है दो लंबी समाक्षीय प्रणालिकाओं के मध्य अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या होता है। तो पहले इन्हें बना लेते हैं, यहां से कुछ ऐसा, ये पहली प्रणालिका हो गई, ऐसी पहली प्रणालिका मान लेते हैं, इसके अंदर धारा कितनी है वो I1 है, प्रत्येकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी N1 है, ठीक है। तो यहां पर अगर इसकी लंबाई को L ले लिया जाए, L लंबाई है अगर, तो यहां से एक रिलेशन बता दो, कैपिटल N1 क्या लिखे जा सकते हैं, तो N1 में इंटू में क्या लिखा जा सकता है, L लिखा जा सकता है, बोलो सही है, ये लिख सकते हैं पहले के लिए। इसमें एक दूसरी प्रणालिका है, वो कैसी है देखो, ये प्रणालिका कुछ ऐसी है, ये प्रणालिका है ऐसी प्रणालिका, ठीक है, और इसका क्षेत्रफल हम मान लेते हैं कि ए है, थोड़ी देर के लिए इसका क्षेत्रफल क्या मान लेते हैं ए है, और इसमें फेरों की संख्या प्रत्येकांक लंबाई में एन टू है, ऐसा मान लें। तो यहां पर जो बी बनेगा बाहर वाले की वजह से वो कितना बनेगा, म्यू नॉट एन वन इन टू में आई बनेगा। एन वन की वैल्यू निकाल लो यहां से, तो एन वन की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो क्या लिख सकते हैं, ये क्या लिखा है, एक और लिख गया है इसके ऊपर, तो यहां से अगर n1 की वैल्यू निकालेंगे तो कैपिटल n बाई एल लिख सकते हैं, तो इसे लिख दो म्यू नॉट कैपिटल n बाई एल इन टू में i लिखा जाएगा। अब हमें फ्लक्स चाहिए, तो फ्लक्स निकालने के लिए फाई टू इज इक्वल टू में बी ए, बी ए लिखा गया है, तो म्यू नॉट n1 डिवाइडेड बाई में क्या लिख सकते हैं l इन टू में क्या लिखा जाएगा i, एरिया क्या लिखेंगे a लिख दो सीधे सीधे, ठीक है, तो म्यू नॉट मतलब b इंटू ए हो गया, इसको मल्टीप्लाई किससे कराना n2 से, और इसको मल्टीप्लाई किससे कराना n2 से, तो इधर जो i को छोड़कर बचा वही तो m होता है, तो m इज इक्वल टू में बन जाएगा म्यू नॉट, यहां बन जाएगा n1 इंटू में n2 इंटू में a डिवाइडेड बाय में क्या लिख सकते हैं l लिख सकते हैं। अब इसको जैसे भी बदलना होगा इसके आगे बदल सकते हैं, जैसे यहां पर ये जो लिखा गया है एनुमन बाई एल, वहां से देखो एनुमन बाई एल क्या है, स्मॉल एन ही तो है, तो यहां से लिखना चाहो तो लिख लो, ये बन जाएगा म्यू नॉट एन वन डिवाइडेड बाई में एल, ये बन जाएगा स्मॉल एन वन, इसे लिखा जा सकता है एन टू इंटू में ए लिख सकते हैं। इस तरह से हम इसे रिलेट करके आंसर निकाल सकते हैं। और अगर इसकी रेडियस दे दी जाए कि इसकी रेडियस आर टू है, तो यहां पर ए को रिप्लेस कर देना किससे, पाई आर टू के स्क्वायर के साथ। तो ये होता है दो समाक्षीय प्रणालिकाओं के मध्य अन्योन्य प्रेरण गुणांक, ये होता है दो समतल कुंडलियों के बीच में अन्योन्य प्रेरण गुणांक, यहां पर देखा अन्योन्य प्रेरण गुणांक से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स थे वो क्या होते हैं उन सबको पढ़ा, यहां देखा अन्योन्य प्रेरण गुणांक के लिए गणितीय विवेचन क्या था, और एम का जो परिभाषा लिखी जाएगी वो क्या लिखी जाएगी, और पेपर में ये फिगर बनाना है, और ये जो लिखा गया है पेपर में एज इट इज ऐसे लिख देना, ठीक है। बाकी अगर समझ के लिखना चाहें तो भी लैंग्वेज सेम रहनी चाहिए। इसके आगे बात करते हैं कि स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है, स्वप्रेरण, स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरकत्व, इन सबको परिभाषित करते हैं। तो वहां पर था कि अगर एक कुंडली दी गई है, जैसे यहां बनाओ दोबारा से, ये कुंडली बना लेते हैं, ये कुंडली है, ये कुंडली दी गई है, इसमें कई सारे फेरे लपेट दिए गए हैं, ये है ऐसा कुछ, इसमें कई सारे खूब सारे फेरे लपेट दिए गए हैं, ये कई सारे फेरे लपेट दिए गए हैं, ये ऐसा है, ठीक दिख रहा होगा, और इसमें एक बैटरी को जोड़ा गया है, ठीक है, और यहां पर एक रियोस्टैट को जोड़ा गया है, ये एक रियोस्टैट को जोड़ा गया है। अब देखो यहां पर जो रियोस्टैट है, हिंदी में लिख लो इस बार, धारा नियंत्रक हो गया, ये माइनस प्लस की क्या है, बैटरी है, ये बैटरी हो गई, इसमें धारा किधर से किधर की तरफ जाएगी, तो इधर से ऑब्वियस है धारा इधर से इधर की तरफ जा रही होगी, इधर से इधर की तरफ जाएगी, तो जब धारा इधर से इधर की तरफ जाएगी तो ऐसे ही तो बनेगी धारा, ये धारा बनेगी इस तरह से और इस तरह से वापस चली जाएगी धारा,
इधर की तरह से नीचे की तरफ वापस चली जाएगी, ऐसा बनेगा। अब इसके दो अलग अलग केस डिस्कस करते हैं, बाद में इसकी परिभाषा देखेंगे क्या है। जब इसमें से इधर धारा एंटर करेगी तो कुछ ऐसा होगा और इधर बन जाएगा हमारे पास एन और इधर बन जाएगा एस, ठीक है। केस पहला क्या है, यहां पर पहला केस इधर देखो, नए पेज पर इसे समझते हैं। इधर केस पहला यह है कि यदि यदि धारा बढ़ रही है, बढ़ रही है, धारा बढ़ रही है, अगर धारा का मान बढ़ेगा तो देखो क्या होगा, बनाओ, ये ऐसा बना हुआ है, इस वाले में धारा का मान बढ़ रहा है, रियोस्टैट तो लगाना पड़ेगा धारा बदलने के लिए, यहां पर बैटरी बी है और यहां पर रियोस्टैट आरएच लगा हुआ है, ठीक है। इसमें धारा किधर से किधर जाएगी, अभी हम लोगों ने देख लिया कि इधर से धारा चलेगी इसमें और इधर से इस तरफ धारा जा रही होगी, ठीक है। अब पहला केस डिस्कशन हमारा यह चल रहा है कि धारा बढ़ रही है, तो धारा बढ़ रही होगी तो इसको समझो, यह है, इसको समझते हैं। समझो इसे, अब यहां पर समझने में थोड़ा इजी हो जाएगा। यहां पर धारा का मान बढ़ रहा है, यहां पर जब आई जो है वो नियत है, आई यहां पर नियत कर दिया गया, धारा नियत है, लेकिन यहां पर जो धारा है सामने वाले फिगर में, ये जो दूसरा फिगर बना ये वाला फिगर, इसमें मैंने कहा कि धारा का मान जो आई है वो बढ़ रहा है, मतलब पहला केस जो हम लोगों ने डाला है वही है, धारा नियत तो कुछ ऐसा दिख रहा है, यहां पर धारा बढ़ रही है तो कुछ ऐसा होगा। धारा का मान अगर बढ़ेगा तो हम जानते हैं धारा का मान बढ़ने के कारण इसमें कुछ ना कुछ फ्लक्स का परिवर्तन होगा, और फ्लक्स परिवर्तन होगा तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल और भी तो बनेगा, वो घटाने की कोशिश करता सामने वाले को। तो अगर धारा बढ़ रही है इसका मतलब इसका जो फाई है वो बढ़ रहा होगा, तो फाई बढ़ेगा तो इसका लेंज के नियम के हिसाब से इसके अंदर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल बनेगा, प्रेरित विद्युत वाहक, प्रेरित विद्युत वाहक बल बनेगा, और ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल बनेगा ये करेगा क्या, ये प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा के बढ़ने का विरोध करेगा, बढ़ने का विरोध करेगा, विरोध करेगा, बढ़िया, विरोध करेगा, ये बात हम जानते हैं। अगर फ्लक्स परिवर्तन होता तो फ्लक्स परिवर्तन के कारण विद्युत वाहक बल बनता, लेकिन उसी का विरोध करता जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न करता, यही होता है लेंज का नियम। तो यहां पर जो फाई है बेसिकली, जो फाई है वो तो बढ़ रहा है, प्रेरित विद्युत वाहक बल इसके अंदर उत्पन्न हो जाएगा, और जो उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा ये बढ़ने वाली धारा को कम करने की कोशिश करेगा। तो अब ये क्वेश्चन है कि इसमें बताओ धारा किधर से किधर की तरफ बहेगी। तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि इसके अंदर जो धारा प्रवाह हो रहा है, ये वाला जो धारा प्रवाह हो रहा है ये तो मुख्य धारा की वजह से हो रहा है जो परिपथ में बह रही है, लेकिन इसमें एक धारा इधर से इधर की तरफ और प्रवाहित होने लगेगी इधर, जिसको हम क्या कहेंगे, प्रेरित धारा नाम देंगे, प्रेरित धारा। प्रेरित धारा क्या करेगी, सामने वाली धारा को कम करवाने की कोशिश करेगी। तो पहला केस से धारा बढ़ रही होगी, नियत पर कुछ नहीं होगा, नियत होगा तो यहां पर प्रेरित धारा जीरो है, प्रेरित धारा का मान शून्य है अगर नियत है धारा, तो ये प्रेरित धारा जीरो है तो इसमें लेकिन प्रेरित धारा है, वहां धारा नियत है, यहां धारा बढ़ रही, तो धारा नियत में प्रेरित धारा जीरो, लेकिन धारा बढ़ रही होगी तो प्रेरित धारा सदैव उस धारा का विरोध करेगी, ठीक है। इसका दूसरा केस देख लेते हैं, जब धारा घट रही हो, देखो इधर दूसरा केस क्या है, बी पॉइंट धारा घट रही है, धारा घट रही है, तो यहां पर नियत का केस लेकर चलते हैं, नियत है आई, आई नियत है, आई नियत होगा तो प्रेरित धारा शून्य, लिखो यहां प्रेरित जो धारा होगी वो क्या होगी, शून्य होगी, ठीक है। लेकिन यहां पर धारा का मान अगर घट रहा है तो धारा अगर घटेगी तो इसे बढ़ाने की कोशिश करेगी, बढ़ाने की कोशिश करेगी तो इसमें प्रेरित धारा की दिशा यही आएगी, प्रेरित धारा की जो दिशा होने वाली वो यही निकल के आएगी। तो प्रेरित धारा की दिशा यही है, इसमें प्रेरित धारा किसकी विपरीत दिशा में, यहां पर धारा नियत थी तो इसमें कोई ना कोई, मतलब कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी। यहां पर लिखो ऊपर जैसे लिखा था, यहां पर क्या होगा, धारा घटेगी तो फाई घटेगा,
और जो यहां पर ईएमएफ बनेगा, ईएमएफ ये क्या करेगा, फाई को बढ़ाने की कोशिश करेगा, विद्युत वाहक बल जो बनेगा वो फाई को बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो इसमें धारा जो प्रवाह होगा, धारा उसी दिशा में प्रवाहित होगी, उसी दिशा में प्रवाहित होगी, प्रवाहित होगी, धारा उसी दिशा में प्रवाहित होना शुरू कर देगी। ये जो पॉइंट्स यहां पर क्लियर हो रहे हैं, इसका मतलब ये अगर समझ में आ रहा होगा अब तक, तो देखा जब भी कुंडली से फ्लक्स बदलता है, चाहे उस कुंडली में ही धारा क्यों ना बदल रही हो, फ्लक्स बदलेगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, फैराडे ने ऐसा कहा था। ये जो हो रहा ना, इसी को कहते हैं अन्यो, मतलब स्वप्रेरण। इससे पहले अन्योन्य प्रेरण पढ़ा, ये होता है स्वप्रेरण। क्या होता है, किसी कुंडली से बद्ध, किसी कुंडली मतलब जिसमें धारा बह रही उसी की बात कर रहे हैं, किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने पर उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और प्रेरित धारा जो उत्पन्न होती है, इसी परिघटना को कहा जाता है स्वप्रेरण, खुद में उत्पन्न हो जाना। कोई कुंडली है, धारा का मान कम या ज्यादा करेंगे तो उसके खुद के अंदर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, जो उसमें धारा जो कम ज्यादा हो रही उसका विरोध करेगा। उसी पॉइंट्स को हम लोगों ने यहां पर डिटेल में समझा है। अब यहां पर कुछ मैथमेटिकल पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। यहां पर ये N बना, इधर S बना था, धारा का मान कम या ज्यादा हो रहा था। एक बार इधर देख लेते हैं, मैथमेटिक्स यहां लगाते हैं या यहीं लगा लो, मैथमेटिक्स जो भी लगाना है। मैथमेटिक्स ये है कि इसके अंदर जो फाई बनेगा, फाई बेसिकली जो फाई बनेगा इसके अंदर, वो किसके समानुपाती है, धारा के समानुपाती है। बेसिक बात है, जो फाई बन रहा है वो धारा के समानुपाती है। इसको नए पेज पर ही लिखो, जगह चाहिए होगी। यहां कुंडली में धारा परिवर्तन, धारा परिवर्तन के कारण बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। वहां पर प्राथमिक द्वितीयक थी, यहां प्राथमिक द्वितीयक नहीं, जिसमें हो रहा उसी में हो रहा है। तो इस पॉइंट को अगर रिलेट करें तो क्या होगा, जो फाई होगा वो समानुपाती होगा किसके, धारा के। फिर से हटाएंगे इसे, तो हटाएंगे तो क्या लिख सकते हैं कि जो यहां पर n इंटू फाइव लिख लो, अगर नंबर ऑफ टर्न्स n है तो n इंटू फाइव लिख लो, ये बराबर किसके निकल के आएगा, li के बराबर निकल के आता है। जहां पर जो l होता है इसी को कहते हैं हम स्वप्रेरण गुणांक। यहां पर जो l है इसी को क्या कहा जाता है, स्वप्रेरण गुणांक कहा जाता है, स्वप्रेरण गुणांक होता है। ठीक है, मात्रक वही जो उसका मात्रक होता है, तो इसका भी मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है, हेनरी होता है। और विमीय सूत्र भी सेम वही आता है, विमीय सूत्र, विमीय सूत्र वहां जो निकल के आया है वही देखो, यही लिख लो यहां पर। तो उसका विमीय सूत्र निकल के आया था, यहां वापस आओ, एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस टू, एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस टू बन जाएगा। ये हमारे पास इसका विमीय सूत्र आएगा। अब इसकी परिभाषा लिखते हैं, उससे पहले इसे हम थोड़ा डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं। तो यहां लिख देंगे एन एन टू में डी फाई बाई डी टी, अवकलन कर दिया गया, इधर बन जाएगा L इंटू डी आई बाई डी टी, सही है। यहां पर डी फाइव बाई डी टी क्या है, ये E है ना, तो यहां पर N इंटू में E इज इक्वल टू में L डी आई बाई डी टी बन जाएगा। ये हमारे पास रिजल्ट निकल के आ जाएगा। यहां पर जो E है ये क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, उसी में जो उत्पन्न हुआ है। अब यहां से एक बात देखो, अगर हम बात करते हैं डी आई बाई डी टी को वन कर दिया जाए, फेरों की संख्या वैसे भी वन लेकर के चलते हैं हम, तो यहां से लिखना हो तो लिख लो, जो ई बनेगा वो एल के बराबर हो जाएगा अगर डी आई बाई डी टी की वैल्यू हम वन एम्पियर पर सेकेंड कर दें, ठीक है। और यहां पर ये जो एन है नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू वन कर दी जाए, जब ऐसा होगा तो यहां पर E जो होगा वो L के बराबर होगा। इसकी परिभाषा खुद ही लिखना है, किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है जबकि उस कुंडली में धारा परिवर्तन की दर इकाई हो। फिर से
किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक उस कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, जबकि उस कुंडली में धारा परिवर्तन की दर कितनी हो, इकाई हो। ये खुद से लिख लेना, ठीक है, रिपीट कर दिया दो बार। तो ये मैथमेटिक्स थी इसके पीछे की, कैसे निकाला जाएगा स्वप्रेरण गुणांक, यहां पर परिभाषा हो गई और इसको परिपथ में कैसे समझा जा सकता है, वो यहां कुछ पॉइंट्स हो गए। इससे रिलेटेड पॉइंट्स क्या है, देखो समतल कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक, समतल कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कैसे समझो, मान लेते हैं ये कोई समतल कुंडली है, इसमें हम लोगों ने मान लिया, ऐसे लिखो, समतल कुंडली का मतलब ये है कोई वृत्ताकार कुंडली होगी, और कोई वृत्ताकार कुंडली होगी तो मान लेते हैं इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, इसके अंदर धारा प्रवाहित हो रही है i, और इसकी त्रिज्या कितनी लिखी गई है r, सही है। तो अगर r त्रिज्या लिखी गई तो यहां समझो b जो लिखा जाएगा उसे लिख सकते हैं म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई में क्या लिखेंगे 2r लिखा जाएगा, और फाइव इज इक्वल टू क्या लिखते हैं बी ए, तो फाइव यहां पर क्या लिखेंगे म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई में क्या लिखा जाएगा 2r इंटू में पाई आर स्क्वायर बन जाएगा। इसको सॉल्व कर दो तो ये बन जाएगा म्यू नॉट यहां पर n इंटू में पाई आर डिवाइडेड बाय में क्या लिख सकते हैं 2 बन जाएगा। एक बार चेक कर लो, म्यू नॉट एन बनेगा, यहां पर आई है तो ये आई लिख दो अलग से, यहां पर पाई आर 2 से 2 तो रहेगा, आर से आर कटेगा इतना, इसका मतलब जो इस ब्रैकेट के अंदर लिखा वही तो है एम, तो ये एम हो गया। अगर एन नंबर ऑफ टर्न से तो एन से मल्टीप्लाई करा लोगे तो एन स्क्वायर हो जाएगा, यहां एन स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां जो एल निकल के आएगा उसे क्या लिख सकते हैं म्यू नॉट एन स्क्वायर, यहां क्या लिखा जाएगा पाई आर डिवाइडेड बाय में लिखेंगे 2। ये बन जाएगा किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक, अन्योन्य प्रेरण गुणांक तो दो कुंडलियों के बीच था, ये एक कुंडली का है स्वप्रेरण गुणांक, इस तरह से लिखा जाएगा इसे। अगला पॉइंट देखो इसके आगे कि लंबी प्रणालिकाओं का स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है। लंबी प्रणालिका का स्वप्रेरण गुणांक तो हम जानते हैं बी इज इक्वल टू लिखा जाता प्रणालिका के अंदर म्यू नॉट एन आई होता है ना, बिल्कुल सही। और अगर म्यू नॉट एन आई होता तो बी को क्या लिख सकते हैं म्यू नॉट एन को क्या लिखा जाएगा एन बाई एल इंटू में आई लिख सकते हैं। और फाई क्या लिखा जाता है तो वो लिखा जाता है बी ए, तो बी हमारे पास लिखा गया म्यू नॉट यहां पर बनेगा एन बाई एल इंटू में क्या हो जाएगा आई, और एरिया क्या लिखा जाएगा पाई, ये बस एरिया को एरिया ही लिख दो। और यहां पर इसमें मान लेते हैं हमें मल्टीप्लाई किससे कराना है, एन से मल्टीप्लाई कराना है, तो दोनों साइड एन से मल्टीप्लाई करा दो, एन नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो यहां पर बन जाएगा म्यू नॉट, समझते जाना म्यू नॉट इकट्ठा करो सबको, ये बन जाएगा एन स्क्वायर ए, सही है, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय में क्या लिखेंगे एल इंटू में क्या लिखा जाएगा आई, जो ब्रैकेट में लिखा यही तो एल है, तो एल बराबर निकल के आएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय में क्या लिख सकते हैं एल लिखा जा सकता है। ये हो जाएगा किसी प्रणालिका का स्वप्रेरण गुणांक, ये हो जाएगा किसी समतल कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक। यहां पर ये कैसे निकाला जाएगा, उसका प्रोसेस कितना होगा, तो n इंटू फाइव इक्वल टू एल आई लिखा जाता है, टोटल जो फ्लक्स होता है वो l इंटू आई के बराबर होता है, तो आई को हटाने के बाद जो l बचता है वही l होता है, मतलब जो हटाने के बाद आई बचेगा उसे l लिखेंगे। अगला है कुंडली में संचित ऊर्जा कैसे लिखी जाएगी, तो कुंडली में संचित ऊर्जा लिखने के लिए बहुत ईजी है, कैसे, यहां पर जब ये चार्ज होगा डिस्चार्ज होगा उस दौरान कुछ ना कुछ कार्य किया जाएगा, तो अगर छोटा सा कार्य dW लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं, याद होगा हम लोगों ने पढ़ा था V इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाई में क्यों लिखते हैं, याद है ना, ऐसा लिखते हैं, तो इसे क्या लिख सकते हैं dW इज इक्वल टू में लिखा जाएगा V इंटू में डी क्यों लिख सकते हैं, सही है। यहां पर E लिखा जा सकता है ना, V का मतलब क्या है प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये क्या बन जाएगा प्रेरित विद्युत वाहक बल, यह है प्रेरित विद्युत वाहक बल। और यहां पर क्यों को क्या लिखा जा सकता है IDT लिख सकते हैं, लिख दो, यहां लिखना होगा लिख देना, चूंकि यहां पर DQ को हम लिख सकते हैं IDT, ये तो याद ही है, ये होगा, और यहां पर DW हो जाएगा। अब क्या करना है, वैल्यू रख दो E की वैल्यू क्या लिखी जाती है LDI by DT लिखी जाती, फेरों की संख्या का यहां हमारा कोई कंसर्न नहीं है, तो LDI by DT लिखेंगे, और यहां पर क्या लिखा जाएगा IDT, सहमत हो इस बात से, अगर हमें धारा प्रवाहित जो उत्पन्न होगा प्रेरित विद्युत वाहक बल, वो धारा प्रवाह कराएगा तो कुछ ना कुछ कार्य हो रहा होगा, वही संचित होगा ऊर्जा के रूप में,
तो यहां से ये एक्सप्रेशन लिखेंगे, सॉल्व कर देंगे, ये बनेगा dt से dt कैंसिल हो जाएगा, देखो dw क्या निकल के आएगा, l यहां पर बन जाएगा i इंटू में di, इंटू में di बनेगा, सॉल्व कर दो इसे, तो इंटीग्रेट कर देंगे जीरो से लगा करके w dw हो जाएगा, यहां बनेगा l, यहां पर i di लिख देंगे और जीरो से लगा करके i नॉट लिख दिया जाएगा, ठीक है, सॉल्व कर दो इसे, तो यहां पर बन जाएगा w इज इक्वल टू में l, यहां पर बन जाएगा आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई में टू, जीरो से लगा करके मान लेते हैं आई नॉट तक की बात कर रहे हैं, w इज इक्वल टू क्या बनेगा, हाफ ऑफ l इंटू आई नॉट का स्क्वायर बन जाएगा, तो ये हो जाता है किया गया कार्य, और हम जानते हैं यह किया गया कार्य ही प्रेरकत्व में चुंबकीय ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, तो यही होगा w, w को क्या लिखा जाएगा, हाफ l i स्क्वायर, बेसिकली आई नॉट का स्क्वायर, ये है कुंडली में संचित ऊर्जा, कुंडली में संचित ऊर्जा, यह है कुंडली में संचित ऊर्जा, कुंडली में संचित ऊर्जा का मतलब यह है कि अगर यह कोई कुंडली है, इसमें कितनी ऊर्जा, इसका स्वप्रेरण गुणांक L है, तो उस L के सापेक्ष इसके अंदर कितनी ऊर्जा संचित होगी, यहां पर धारा I नॉट अगर कर दी जाती है किसी टाइम T से लगा करके, तो इतनी ऊर्जा संचित हो जाती है, प्रति एकांक आयतन में कितनी संचित होगी जब हम पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण वहां देखेंगे, लेकिन यह जो फार्मूला निकल के आया चुंबकीय संचित ऊर्जा कितनी लिखी जा सकती वो यहां से देखा जा सकता है, ठीक है। एक पॉइंट और यहां पर डिस्कस कर लेते हैं, अगर पढ़ रहे हैं तो ये टॉपिक ही कंप्लीट हो जाए, कि प्रेरकों में श्रेणी और समांतर क्रम संयोजन कैसे होता है, तो जैसे प्रतिरोध का होता है वैसे इसका होता है। देखो अगर बात करते हैं यहां पर प्रेरकत्व को कुंडली से दिखाया जाता है ना, तो ये कुंडली हो गई, देखो एक एक दूसरा यहां पर जोड़ दिया जाता है, इसका है L1 और इसका लिखा गया है L2, तो यहां पर L इक्विवेलेंट जो लिखा जाता है वो L1 प्लस L2 लिखा जाता है, ठीक है। A पॉइंट हो गया, सिलेबस का पार्ट नहीं इसलिए डिराइव नहीं कर रहे, फार्मूला अगर कहीं काम आए तो यूज कर लेना, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा यहां पर दिया गया है ऐसा, ये है L1, ये है L2, तो यहां पर जो L इक्विवेलेंट लिखा जाएगा वो L1 L2 डिवाइडेड बाय में L1 प्लस L2 लिखा जा सकता है, बेसिकली 1 बाय L1 प्लस 1 बाय L2 किए गए हैं, तो यही निकल के आएगा R1 R2 अपन R1 प्लस R2 पढ़ते थे, तो ये होता है इसका संयोजन, श्रेणी क्रम समांतर क्रम प्रतिरोध जैसा है, याद रखना इसे। एक और लिखा जाता है युग्मन गुणांक, लेकिन उसका कोई काम नहीं है, वो बोर्ड के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कुंडली में संचित ऊर्जा का डेरिवेशन याद रखना कैसे करना है, यहां पर प्रणालिका का स्वप्रेरण गुणांक हो गया, यहां पर ये देख लिया गया स्वप्रेरण के बारे में सारी बातें देख ली गई, यहां पर देख लिया गया स्वप्रेरण गुणांक होता क्या है, स्वप्रेरण कैसे होता है, लंबी प्रणालिकाओं के बीच में अन्योन्य प्रेरण गुणांक, समतल कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक, यहां पर हम लोगों ने देखा अन्योन्य प्रेरण गुणांक का जो गणितीय विवेचन होता है वो कैसे किया जा सकता है और उसकी परिभाषा क्या लिखी जाती है। अगली क्लास में हमारा डिस्कशन होगा प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के बारे में, कि एसी जो करंट होती है उसे कैसे बनाया जा सकता है इन सब का उपयोग करके, क्योंकि यहां पर ये एक क्रांतिकारी चेंज निकल के आया है कि अब यहां पर चुंबक धारा बनाएगा। अरेस्टेड ने क्या बताया था, उन्होंने कहा धारा चुंबकीय क्षेत्र बनाती, यहां पर यह देखा गया कि बेसिकली जब कभी भी फ्लक्स परिवर्तित होता तो उसकी वजह से धारा बनती है, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र से अब हम बना सकते हैं विद्युत धारा। इन दोनों में देखो रिलेशन काफी आगे स्ट्रांग होता चला जा रहा है, तो अगली क्लास में हमारा डिस्कशन होगा इसके आगे, तब तक के लिए इस क्लास को रिवाइज करें, मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन आई विश यू ऑल।